नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। साउथ इंडियन रेसिपी अप्पम का इंडो चाइनीज फ्यूज़न बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास इडली बैटर बचा है तो फटाफट अप्पम बनाकर चिली अप्पम बना लीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो आइए चिली अप्पम बनाना शुरू करते हैं। चिल्ली अप्पम बनाने के लिए सबसे पहले हम इडली बैटर से अप्पम बना करके तैयार करेंगे। तो ये हमने 2 कप इडली बैटर ले लिया है और इसमें हम 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। इडली बैटर बनाने का तरीका आप मेरे वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। तो ये हमने इडली बैटर में नमक मिला लिया और ये अप्पम मेकर को हम गरम कर लेते हैं। अप्पम मेकर को हमने गरम कर लिया है, इसके खांचों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे, बिल्कुल दो तीन ड्रॉप सारे खांचों में तेल डाल देते हैं। और गैस हमने बिल्कुल मीडियम रखी है, मीडियम और धीमी आग पर हम अप्पम बनाकर तैयार करेंगे। तो हम इनके खांचों में अब 1-1 चम्मच इडली बैटर डाल देते हैं। और ये हमने सारे खांचे भर लिए हैं इडली बैटर से और अब हम इसे ढक कर के 2 मिनट पकने देते हैं, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हमको चेक कर लेते हैं। अप्पम बहुत अच्छे फूल गए हैं और देखते हैं हम ये नीचे से सिक गए या नहीं। हाँ, नीचे से हमारे अप्पम सिक गए हैं। अप्पम को हम पलट देते हैं और सारे अप्पम हम पलट देते हैं और दूसरी ओर से भी हल्के से ब्राउन होने तक अप्पम को सिकने देंगे। ये अप्पम हमने पलट दिए और हम इन्हें 1-1.5 मिनट दूसरी साइड से भी सिकने देते हैं। अप्पम को हम देख लेते हैं नीचे से सिके या नहीं। तो नीचे से भी हमारे अप्पम ब्राउन हो गए हैं, हमारे अप्पम सिक गए हैं। तो अप्पम को हम निकाल लेते हैं और फिर से इसी तरीके से बैटर डाल करके अप्पम तैयार करते हैं। पहले थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, और इसे ढक कर के 2 मिनट तक पकने देते हैं। अप्पम को ढक कर के पकाएं तो ये जल्दी सिक कर के तैयार होते हैं और अच्छे तरीके से फूलते भी हैं। ये अप्पम हमारे बन कर के तैयार हो गए हैं और अब हम बनाएंगे चिली अप्पम। उसके लिए हम पैन गर्म होने के लिए रख देते हैं और ये अप्पम सारे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चिली अप्पम बनाने के लिए हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है और इधर हम शिमला मिर्च काट करके तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 छोटे से शिमला मिर्च ले लिए हैं, लगभग 150 ग्राम शिमला मिर्च लिए हैं। इन्हें हम चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। शिमला मिर्च को हम बीज हटाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। पैन गरम हो गया है, पैन में हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है और तेल में हम ये बारीक पतले पतले कटे हुए अदरक डाल देंगे। हमने 1/2 इंच अदरक के टुकड़े को पतला पतला बारीक काट लिया है, थोड़ा सा भूनेंगे और अब हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा चलाते हुए भूनते हैं और शिमला मिर्च को हमें हल्का सा नरम करना है, तो हम इसे 1 मिनट के लिए ढक कर के पकने देते हैं, आग धीमी रखें। 1 मिनट हो गया है, हमारे शिमला मिर्च भी थोड़े से क्रंची और नरम होकर के तैयार हो गए हैं। और अब हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे। 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस लिया है हमने।
मिक्स करते जाएंगे। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, मिक्स करते रहेंगे और आधा छोटी चम्मच चिल्ली सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक छोटी चम्मच वाइट विनेगर डालेंगे, मिक्स करेंगे और एक छोटी चम्मच सोया सॉस डालेंगे, मिक्स करेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर हटा सकते हैं, अगर बच्चों को मिर्च नहीं पसंद है। थोड़ा सा ज़्यादा तीखा खाएं तो ज़्यादा मिर्ची भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली और अब हम इसमें अप्पम डालेंगे और पूरे तरीके से मसाले को अप्पम के ऊपर कोट होने तक हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे। गैस धीमी रखेंगे और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्ची भी डाल देते हैं। ताज़ा क्रस्ट काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आता है। जस्ट एक चौथाई छोटी चम्मच। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। हमारे चिल्ली अप्पम बन करके तैयार हो गए हैं। इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चिल्ली अप्पम बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छे चिल्ली अप्पम बने हैं और थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके हम चिल्ली अप्पम की गार्निश कर देते हैं। इन्हें बनाना बहुत आसान है। हमने ये चिल्ली अप्पम बिना प्याज के बनाए हैं। अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो एक प्याज पतला पतला लंबा काट करके सबसे पहले तेल में डालें और गुलाबी होने तक भून लें। बाद में सारी चीज़ें इसी तरीके से डालते हुए चिल्ली अप्पम बना लें। चिल्ली अप्पम को आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रख सकते हैं, शाम को हल्की फुल्की भूख में बच्चों को बना करके दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो आप ये चिल्ली अप्पम बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।